जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम खाजा भाई। वालेकुम सलाम भाई। और खाजा भाई, तबीयत मिजाज आपकी? अल्लाह करम अल्हम्दुलिल्लाह। साहब, आपसे दो सवाल पूछना था। बोलिए भाई। आपका एक पोस्ट आया, जी आप उसमें बोल रहे हैं सुबह अरेस्ट करते शाम तक रिलीज कर देते, फिर मुसलमानों के साथ खिलवाड़ करते गुस्से को कम कर देते। जी तो वो हुआ, आप बोले बात, वो हिस्सा हुआ बराबर। जी अब जो ये पीडी एक्ट लगाए राजा सिंह पे, जी अब इनके जो वकील हैं, इनकी जो लीगल टीम है, सुप्रीम जी कोर्ट गई हुई है जी पीडी एक्ट ये गलत डाले, ये हटाओ बोल के। मंडे जी जी के दिन इसका फैसला है, जी तो आप पे भी ये केसेस हुए थे, आप जी भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट फिरे थे, तो हमसे ज्यादा बेहतर आपको मालूम, तो ये आप इस पे रोशनी डालना चाहेंगे सर? भाई, मैं पहले आपको दो चीजें बोलता हूँ। सुनिए, जी सर। राजा सिंह को रोडी शीटर का जो लिखा जा रहा है ना, उसके अंदर जी जिस दिन राजा सिंह की रोडी शीट खोले, उस दिन सेम डे मेरी भी जो है रोडी शीट खोले थे। जी साहब। ये थी तारीख 18 नवंबर 2011, जी हनुमान जयंती के फसादात में उसकी रोडी शीट ओपन हुई थी, जी और वही टाइम पे मेरी जो है रोडी शीट ओपन करे थे जी भाग्य लक्ष्मी टेम्पल के केस के अंदर। जी भाग्य लक्ष्मी टेम्पल के केस में मेरे पे एक दिन में 9 FIR हुए थे, जी तो वो 9 FIR हुए बोल के मेरी रोडी शीट ओपन करे। तो मेरी भी कम्युनल रोडी शीट है, उसकी भी कम्युनल रोडी शीट है, जी साहब। ठीक है ना भाई। जी उसके बाद मेरे पे भी पीडी एक्ट डाले थे। जी जी मेरा पीडी एक्ट डालने के बाद, ये पीडी एक्ट का जो प्रोसीजर होता क्या होता, 45 डेज के अंदर जो है एडवाइजरी बोर्ड कमेटी के अंदर, यानी जो डीटी बोलते हैं इसको, डिटेंशन जी थॉल बोलते हैं, जी तो ये जो डीटी रहता पीडी एक्ट वाला जो रहता, उसको 45 डेज के अंदर एडवाइजरी बोर्ड कमेटी के सामने जेल वाले प्रोड्यूस कर देते लेके जाके। एडवाइजरी जी बोर्ड कमेटी क्या करती, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद पीडी एक्ट सही डाला नहीं डाला, वो एडवाइजरी बोर्ड कमेटी जो है उसका यानी एग्जामिन करती। अगर तस्दीक एडवाइजरी बोर्ड कमेटी को यह महसूस हुआ कि पीडीआई गलत है, तो एडवाइजरी बोर्ड कमेटी वहीं से सीधा घर को चले जाओ बोलते हैं, कर जी आओ। और अगर एडवाइजरी बोर्ड कमेटी अगर पीडीआई कंफर्म करी, जी तो उसके बाद एक्यूज को यह राइट रहता है कि उन्हें हाई कोर्ट को अप्रोच हो सकता, लेकिन आफ्टर 45 डेज, ठीक आफ्टर है। 45 डेज। जी उन्होंने आजकल में कोर्ट को जा ही नहीं सकते उन्होंने, तो फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जा रहे ना साहब? सुनो 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 ना मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट जाओ, उन्होंने चीफ जस्टिस करने जाओ, या फिर उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करने जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला है। वो जी 45 डेज के बाद एडवाइजरी बोर्ड कमेटी की अप्रूवल आने के, अप्रूवल या डिसअप्रूवल दो में से कुछ भी आने के बाद, जी अगर कैंसल हो गया तो घर को भिजा देते उसको, जी अगर अप्रूव्ड हो गया तो उस दिन से उसको राइट रहता है, यानी अगर पेपर हाथ में मिल गया इसका पीडीआई कंफर्म सही डाले कमिश्नर ऑफ पुलिस बोल के, अगर कंफर्मेशन आ गया जी तो वहीं से सीधा उन्हें हाई कोर्ट को जा सकता, यानी उन्हें से मुराद उसका वकील आ जाते, उसको जेल को भेजा फाइव देते, डेज तक इन्हों जेल से निकल ही नहीं सकते। किसी भी हालत में नहीं निकल सकते तो उन्हें। साहब, ये जो अब ये खिलवाड़ हो रहा है मुसलमानों के साथ, जैसा एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए अंदर कर दिए थे इनको, फिर छोड़ नहीं, दिए। आप ये बात को थोड़ा डिसकंटिन्यू हो जा रहे हैं। जी 45 डेज के बाद इन्हें जो है जाता हाई कोर्ट, जी हाई कोर्ट पुलिस सही डाली नहीं डाली एग्जामिन करता, जी 90% हाई कोर्ट भी उसको कंफर्म करता कि सही डाले बोल के, ठीक जी है। इसमें निकल गए 3 महीने, जी 3 महीने के बाद इन्हों जाते सुप्रीम कोर्ट, ठीक अच्छा है। 3 से 3.5 महीने के अंदर इन्हों सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जी जिस दिन इन्हों सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट इनको गलत डाला पीडीएफ बोल के इनको रिलीज करो बोलता, जी ये कंफर्म है। सुप्रीम कोर्ट जाते ही उनको मिलता, लेकिन इन्हों सुप्रीम कोर्ट जाने का इनको जो है तरीका, यानी उतना टाइम गुजारना पड़ता है इनको अभी इनको सुप्रीम कोर्ट अधिकार जाने। नहीं है, सुप्रीम कोर्ट गया था 45 डेज पी एफ पी 3 महीने का 3 मंथ्स का प्रोसीजर के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रुजू हो सकते। रुजू हो सकते हैं, देखो भाई सीधा सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप सीधा जाके जो है मिनरल का ढक्कन डालो बोल के, असदुद्दीन ओवैसी साहब कैसा बोलते हैं, नहीं बोलते साहब, पहले कॉरपोरेटर को बोलते हैं, फिर एमएलए को बोलते हैं, फिर उसके बाद जाके जो है फाइनली आप एमपी साहब को बोलते हैं। जी तो ये भी वैसी चीज है, पहले आप क्या करते हैं एडवाइजरी बोर्ड कमेटी को जाते हैं, फिर उसके बाद हाई कोर्ट को जाते हैं, फाइनली सुप्रीम कोर्ट को जाते हैं। जी सर। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता, जाओ यार कॉरपोरेटर को जाके बोलो छोटा काम है ना, वो बोलता। अब साहब, ये लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं मंडे के दिन, इनकी सुनवाई ये है बोल रहे हैं, इनका फैसला है बोल रहे हैं, तो अब नहीं वहां से रिलीज ऑर्डर मिल गया तो क्या करना? भाई, फिर एहतजाज करना, फिर पुलिस को बोलना। तो साहब, ये तो खिलवाड़ हो जा रहा है आवाम के हाँ तो साथ। बिल्कुल, उन्होंने कानून का है, देखो भाई यही पे यही तो प्रॉब्लम है ना, उसको कानून का डर नहीं है, इस बात उन्होंने कानून के साथ उन्हें खिलवाड़ कर रहा। सही है।
अगर उसको कानून का डर होता, अगर उसको लेके जाके दिशा रेप केस के जैसा उठा के लेके जाके मार देते तो किस्से खत्म था ना। तो सर ये गवर्नमेंट का फेल्यूर है या फिर पुलिस का फेल्यूर है जो हो रहा अरे है यहाँ पर? पहले पहले तो सबसे पहले उसको जिस तरीके से पुलिस वाले अरेस्ट करे थे उसको 24 की सुबह, वो गलत था। जी साहब उसको लीगल पूरा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके पुलिस अरेस्ट करना था उसको, जी ठीक है, तब उन्हें छूटता नहीं था वहां से। जी खैर वो केस भी मामूली था, 3 दिन के अंदर वो जो सेक्शन डाले थे 153A जो सेक्शन डाले थे जी वो मामूली सेक्शन है वो, जी उसके अंदर कोई भी रहन दो, राजा सिंह रहन दो, आप रहन दो, मैं रहन दो, कोई भी रहन दो, जी साहब, 3 से 4 दिन के 8 दिन के अंदर बेल मिल जाती है उसके साहब ऊपर। इसमें एक सवाल उठता, ये एक देश में दो कानून हो रहे, आपके साथ अलग फिर राजा सिंह के साथ अलग, तो इस बारे में अरे क्या बोलेंगे आप? देखो भाई ये तो देश में कानून हो रहे बोल तो उनकी गवर्नमेंट है, उनकी पूरे कानून दा बैठे हुए हैं। साहब अब वो तेलंगाना लोग में जो तो लाइन केसीआर है साफ ना, यहाँ तेलंगाना तो करेंगे ना वो लोग। में लेकिन तो केसीआर है ना मैं आपको तो एक बात बोलूंगा, आप कुछ भी बोलो, जी, हैदराबाद के मुस्लिम बच्चों को यहाँ पे सलूट है, कैसा पूछो आप। माशाल्लाह मैं जी इसलिए बोलता हूँ बॉस, देखिए नुपुर शर्मा एक जो है दीवानी एक बेहुदा बयान दी थी, जी सर पूरा हिंदुस्तान उसके पीछे एहतजाज करा लेकिन कुछ नहीं कर सका उसको, बेशक, हैदराबाद घुटनों पे ला दिया अल्लाह के करम से। मगर साहब एक दिन में रिलीज हो गए, फिर ये एहतजाज करने से फिर राजा सिंह को ऐसा अंदर डाले, फिर सदर साहब का ट्वीट आया, फिर इसके बाद कॉल हुआ, उस देखो बुनियाद पे उनको अंदर भाई डाले, देखो बताए देखो सुनो सुनो मेरी बात जरा सुनो, आप जी। सदर साहब आखिरी खतरनाक चीज है, याद रखो आप मेरी बात को, वो तो पूरे जानते साहब उनो हैदराबाद उनो बैठ के खाली ऐसा दो उंगलियां फिराए तो पीडीएक पड़ जाना है, आपको अंदाजा नहीं है। ये बाता जो है, खैर मैं फोनों पे नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत डेंजर है साहब, ये लेकिन बातों में आप लेकिन आगे को बढ़ा लेकिन देते लेकिन, लेकिन सुनिए आप, हैं। क्या केसीआर को मोहब्बत है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? नहीं, बेशक आप सही बात बताए। अरे सदर साहब बैठ के जुम्मा जुम्मा डिजास्टर हो जाता आपका, जी जुम्मा खतरनाक गुजरने वाला था आज का। अकबर हुकूमत देख ली मुस्लिम बच्चे बेकाबू है इस वक्त, जी साहब और होना भी चाहिए, मारा खाए, लाठियां पड़े, बच्चों को उठा के सरा फोड़ दिए पुलिस वाले, यानी बेहूदेपने से मारे पुलिस वाले, वो घर में घुस के भी तोड़ के ले गए साहब हाँ बेहूदेपने से मारे पुलिस वाले, उसके जी। बावजूद भी अपने बच्चे 2 मिनट को पीछे नहीं हटे। सरकार का मसला था साहब, अरे कैसा यकीन मानो आप, अल्हम्दुलिल्लाह आज फखर है साला इस बात का कि पूरे साहब? हैदराबादी है, मगर आप नहीं हैदराबाद दिखे में साहब है बाहर, तो आप नहीं दिखे। मैं क्या करूं निकल के, बोलो आप। नहीं साहब फिर भी जैसा हमारे मुजफ्फर साहब बाहर थे अरे और भाई जी, देखो मैं देखो सुनो सुनो, मैं नहीं ये धरने वरने देने का ख्याल नहीं हूं उस्ताद। नहीं साहब बच्चों को तो छुड़ाना था ना जाके, अरे छुड़ा रहे बोलते, कॉर्पोरेटर पूरे लगे हुए पार्टी के, पूरे छुड़ा रहे ना, कौन सा बच्चा अभी भी अंदर है बोलो, अभी नहीं छुड़ा साहब दो। वो तो 196 बच्चों को छुड़ाए बोल के ऐसा रिपोर्ट आई थी हाँ भाई साहब। वैसे, अरे वो तो देखो जमात करती काम, ये आप ये नहीं, हर फसादात में देखो जमात रोडों पर रहती है। फिर भी लोग तनकीद क्यों कर रहे साहब? अरे वो चीजों को मौका क्या है यार, उनको छोड़ो ना, उनका मौका क्या है, उनको उनको मौका होना ना बात करने का। बेशक अरे भाई वो लोग तो क्या चाहते हैं बोलते हो, सदर साहब हाथ में तलवार ले लेके निकल जाना रोड पे, खला जो दिखा मारते साहब, रहना खाली, बोलते वो लोग। साहब मैं भी ये बात बराबर बोला, लोग यही बोल रहे थे तो क्या नहीं सदर वो साहब लोगों का आगे सहन पकड़ नहीं के रहता, डालेंगे? देखो भाई अब लोग क्या चाहते हैं मालूम, हमला एक पूरी जमा AK-47 ले लेके निकल जाना खाली, धना धन जो जहाँ दिखा गोलियां मार लेते साहब फिर मैं मगर आता एक हूँ। और एक बात, मुखालिफीन मजलिस जो थे मगर वो रोडों पे नहीं थे, कोई लीडर उनका इधर से कोई जाके छुड़ाए नहीं, नहीं कोई रोड पे भाई नहीं वो, आए। अरे वो लोग पकड़े गए तो हमला छुड़ाते यार वो लोगों को, वो लोग किसको छुड़ाएंगे, वो लोगों को अगर पुलिस वाले पकड़ लिए तो वो लोग हमारे को फोना करते, हल्लू इनसे उनसे फोना कराते यार वो, करा के हमारे को बोलते छुड़ाओ छुड़ाओ, उन बच्चों को छुड़ाते। खैर छोड़ो वो लोग वीडियो बना के पुकारा करते वो अलग बात है, और उनको खुद को मालूम है साला, उन्होंने पकड़े गए तो उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। मगर ये चीज से आवाम में एक मैसेज गया साहब, मजलिस आती छुड़ाती बचाती और रोडों पे निकल के एहतजाज भी करती, बच्चों के साथ उसके ठहरती भी। बाद आगे भी बोलूं, जी साहब फिर गालियां भी सुनते, वो फिर तो अरे मुखालिफत भी, फिर मुखालिफत भी लोगों की झेलते, फिर हमारा कुछ बुरा बोलते, जी फिर हमारा कुछ जो है बोलते क्या करे क्या करे क्या करे पूछते, फिर जी साहब हमारा कुछ बोलते ऐसा नहीं करना था वैसा करना था वैसा नहीं करना था ऐसा करना था, ये सब जी बात हमारा कुछ बोलते। वो तो है साहब और वो सालार हमेशा ये बात बोलते थे, तुम जी कितना भी करो ये तो जी सुनने वाले छे अपन, और ये साहब जमात ये सुनने वाली छे, बेशक बेशक
और मुसलमान अपना लीडर तस्लीम ही नहीं करते साहब, ये शुरू से है। नहीं, नको करने दो भाई, मुस्लिम लीडर अपना हक अदा कर रहा। मैं जी यकीन मानो आज बड़ी फखर से बात बोल रहा हूँ, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह साहब, क्यों क्यों हूँ और हैदराबादी हूँ ये भी इसलिए बोल रहा हूँ, नुपु शर्मा का जब एक बेहुदा बयान आया था उसके बाद हिंदुस्तान में कहीं कोई स्टेट में कोई स्टेट वाला नुपु शर्मा को अरेस्ट नहीं करा सका। जी साहब, लेकिन एक हमारे पास का सुबर एक बयान दिया जी तो जी हैदराबाद के नौजवान ईंट से ईंट बजा दिए, बेशक साहब, और इसके लिए बोल रहा हूँ अल्लाह का शुक्र है कि मैं हैदराबादी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन अवैसी साहब जिस अंदाज से बैठ के जो है पीछे से काम कर दिए इसका, साहब, उसके लिए फखर से बोल रहा हूँ मैं मजलिसी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह साहब, सदर साहब अल्लाह के का ऊपर एहसान तो ये है। भरोसा है साहब, काम साइलेंट में करते और रिएक्शन पूरी दुनिया देखती। अरे उन्होंने बहुत साइलेंट में, मैं क्या ये बोला, बहुत एक पिक बहुत वायरल हो रही साहब, क्या बोला। सलाउद्दीन अवैसी साहब की, सियासत हमारे घर की है बोल के जो है अब समझ में जी आया बोल के जी लोग पोस्ट कर रहे, लोगों को जी बड़ी जी देर से समझ में आया। जी नहीं यही है ना, ये लोगों को बहुत देर से अपने है, थोड़े से लोगों क्या है मुखालिफों को जी यानी बात 25-30 साल बाद समझ में आती ये सही था बोल के, वैसे थोड़े मुखालिफ आज भी है, पच्चीस जी तीस साल बाद ये लोगों को समझ में आता है कि सही है। खैर वो छोड़िए, लेकिन बोलना ये चाह रहा था मैं भी आपको, जी तो और बात अपनी चेंज हो गई कि इसका जो पीडी एक्ट है, हम खामोश यहाँ नहीं बढ़ जाना भाई, जी यहाँ सर, पे खामोश बैठ गए ना हम, जी 3.5 महीने के बाद या फिर इसकी लीगल टीम जो है सुप्रीम कोर्ट को, कोई जरिया तो नहीं है अप्रोच होने का, लेकिन अगर किसी जरिए से हुकूमत उनकी है, जरिए उनके है, किसी जरिए से अगर वो लोग अप्रोच हो गए और इन्हें यह हरामी बाहर आ गया, जी तो ये हमारे लिए और बड़ी जो है अफसोस की बात रहेंगी, दिलों को तकलीफ पहुंचाने वाली बात साहब, रहेंगी। जो आप बोल रही है 2 से 3 दिन में इन्हें बाहर आ गया तो बोल रहे हैं, या 45 डेज के बाद की बात करें आप? अगर मैं 3 महीने के बाद की बात कर रहा हूँ, इन्हें ये 3 महीने मंडे के के दिन बाद इनके की अगर फेवर में जजमेंट आ गया तो नहीं आ सकता भाई, पहले लोअर कोटा जो है पूरे उसको देना, पहले एडवाइजरी बोर्ड कमेटी सही लगाए नहीं लगाए देना, पूरा एक प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट हियरिंग नहीं करता डायरेक्टली। नहीं साहब, आप ही बोल रहे हैं ना, हुकूमत उनकी सब पावर उनका तो छुड़ाने क्या जा रहा, छुड़ा देते। मैं नहीं समझता भाई, लीगल प्रोसेस भी अगर वैसा हुआ तो फिर हम भी जाते ना सुप्रीम कोर्ट को, हम मेरे जैसे दीवाने लोग भी जाते ना सुप्रीम कोर्ट को, हम भी तो जाके बोलेंगे ना भाई। हैदराबाद में एक बच्चे के ऊपर एक सिंगल केस आया तो उसको पीडी एक्ट डाल दिए और इसको उसको डाल के 1 साल गुजारने लगाए, और ये जो हरामी के ऊपर 101 FIR है, जी साहब, और 101 FIRs रखने के बाद, और इन्हें तो FIR छोड़ो एक केस में इन्हें सजा याफ्ता है, जी इसको एक केस में 2 साल की सजा हुई, कोर्ट माना नाम पर ली कोर्ट के इन्हें मुजरिम है बोल के। भाई जी फिर इनको फिर इन्हें अंदर नहीं गया ना साहब 2 साल की सजा में? इन्हें यानी मुजरिम है, इन्हें कन्विक्टेड है, इन्हें मुजरिम है, इन्हें जी कंफर्म मुजरिम है, इन्हें एक्यूज नहीं है, अंडर ट्रॉल नहीं है। हाँ नहीं साहब, आप बोल दिए जजमेंट आ गया है, नो गिल्टी फाउंड हुए, मगर इन्हें अंदर नहीं गए ना, जेल में नहीं गए थे 2 साल दो की। साल देखिए 2 साल के अंदर की तो बेल भी तो मिलती ना, जी उन्हें कानून से कैसा खेलना उसको मालूम है ना बदमाश को, वो जी साहब, इस वास्ते तो उन्हें ऐसे बयान देता ना क्योंकि उसको कानून का डर नहीं है ना। जी अब पुलिस की भी जिम्मेदारी है कानून का डर बिठाना उसके ऊपर, जी साहब, उसको बताना पुलिस उसको सही तरीके से। भाई पुलिस अगर सही तरीके से काम शुरू से करी होती, पहली बार जब उन्हें गलत बयान दिया होता ख्वाजा अजमेरी के ऊपर, जब उन्हें गलत बयान दिया होता, अगर पुलिस वाले जब भी उठा के उसके ऊपर पीडी एक्ट डाल देते या पुलिस स्टेशन में लेके जाके इसकी मुसल कस के इसकी हड्डियां नलियां तोड़ देते अगर, तो जी तब सही मालूम होता ना तो पुलिस साहब, वालों को, पुलिस इसको वाले भी डर कौन रहता करेंगे, था। पुलिस भी किसी के दबाव में है ना, पुलिस। नहीं भाई देखिए पुलिस दबाव में है तो अपन भी कानूनी कार्रवाई सही तरीके से करना ना, जी साहब, अपन भी तो पार्टी बनना ना, अपन भी तो कोर्टों को जाना ना, पुलिस गलत कर रही बोल के अपन भी कोर्टों में बताना ना। भाई जी, देखो आप जाके पुलिस वाले के खिलाफ कोर्ट में जाओ, जाके जब मैं तैयारी करा जाने की, जी अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो मेरे पास भी एक डाटा है, अच्छा, तो आप भी रुजू होंगे अगर ये 100% रुझू हो सही तो मैं कहीं को रुझू नहीं होगा। बोलिए हैदराबाद के अंदर ऐसे कई बच्चे हैं जो चोरी के एक केस में चोरी के जो है जेल को गए, पोलिस उनको पीडी एक्ट भी डाली और पोलिस उनको 1 साल पीडी एक्ट कंफर्म भी हुआ उनका, जी 1 साल यानी जेल में भी रहे पीडी एक्ट के जरिए, और जिसके ऊपर 101 FIR है और उन्हें कन्विक्टेड है उसकी पूरी अपने पास FIR की डिटेल है, अपन बोले कि अपन भी जाना जाके बोलना उनको साहब, 1 साल गुजारने लगाते और इनको 1 साल से इनको 4 महीने 3 महीने के अंदर छोड़ देते, ये कहाँ का इंसाफ है, बोल के अपन भी जाना कोर्ट को। नहीं साहब, ये भेदभाव होएगा ना,
भेदभाव होगा बोले तो टेक्निकल लीगैलिटीज को लोग यूज करके भेदभाव करेंगे ना। नहीं इनो एमएलए है तो तो क्या होता है एमएलए रहे तो? एमएलए को, एमएलए बोले तो साहब एक रिप्रेजेंटेटर है पब्लिक का, तो क्या तो करते हैं? इनके लिए अलग कानून, आम जनता के लिए अलग अलग कानून बोल के ऐसा कुछ ऐसा प्रोसीजर बता के छोड़ दिए तो। नहीं, एमएलए रहे तो क्या होता है? क्या एमएलए रहे तो कुछ भी बयान देगा? एमएलए रहे तो क्या क्राइम करके चले जाएगा? एमएलए रहे तो क्या उन्हें जो है कुछ भी बयान दे देगा और उन्हें जेल से छूट जाएगा? कानून कानून होता भाई, चाहे जी वो एमएलए रहो नॉर्मल आदमी रहो, कानून कानून सबके लिए बराबर है। तो अब उन्हें सर प्रोसीजर फॉलो करना, अब उन्हें भी जो है फ्लोर पे सोना, बेशक उन्हें भी जेल में फ्लोर पे सोना, दाल खाना खाना जेल का, उन्हें भी। जी सब सही एमएलए है तो क्या उसको घर की बिरयानी ला के देते उसको? नहीं साहब, फिर भी ये बात होती ना, कानून अलग अलग है हर किसी के लिए, एमएलए के लिए अलग है, गरीबों के लिए अलग है, आपके भी नहीं कुछ भाई, ऐसा बस बयाना है, आपके कुछ स्टेटमेंट्स है ऐसे। नहीं, देखिए प्रिविलेजेस बराबर रहते थोड़े बहुत, जी थोड़े बहुत रहते, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। अब अगर एमएलए किसी को चाकू मार दिया, मर्डर कर दिया, तो क्या उसके ऊपर 302 बुक नहीं होगा? होता बराबर होता। सा एक ऑटो वाला भी अगर उन्हें भी चाकू मारा तो उसके ऊपर भी 302 बुक होता, जी हाँ बराबर होगा ना भाई? सही तो वो कानून के हिसाब से चलते हैं, लेकिन हम भी उसके पीछे पड़े हुए रहना बोलना चाह रहा हूँ मैं। बेशक साहब। साहब एक आखिरी सवाल आपसे साहब, जी आप भाई, जी भाई, 20 घंटे पहले एक स्टेट वो डाले, पोस्ट डाले, क्या टुडे डाला आई एम रियली पोस्ट? मिसिंग चल्लापल्ली, अल्लाह आज मैं कहीं को नहीं हूँ चल्लापल्ली में, तो ये क्या मतलब है साहब? नहीं भाई, चल्लापल्ली की बड़ी याद आ रही थी, चल्लापल्ली में रहते तो अच्छा जो है चल्लापल्ली दिखाते थे बोल सिंह के अच्छा दिखाते थे भाई चल्लापल्ली, पूरे कोने कोने दिखाते थे, बोलना चाह रहा था मैं। वो कोना वैसा है, ये कोना ऐसा है, कोना कोना पूरा पूरा जो है दिखाते थे। और वो जो पोस्ट डाला मैं, उसके ऊपर फुटबॉल ग्राउंड की फोटो डाला था, जी हाँ साहब वही जी तो वो क्या है बोलते, फुटबॉल खेलते थे बोलते, ऐसा चल रहा था। चलो ठीक है भाई, साहब अल्लाह समझ गए, शुक्रिया साहब। सवाल।